लिट्टी चोखा। तो देख सकते हो आप सब, आज मसाला रेडी करने के लिए सामान ले ली हूँ। मसाले और आटे रेडी है तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। अब लिट्टी मैं बना ली हूँ, सारे बना के रेडी कर ली हूँ, उसको करूँगी फ्राई। मैं ले ली हूँ एक बैंगन हो गया है, टमाटर ले ली हूँ, आलू ले ली हूँ, ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च और नमक और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, इसको डालने के लिए छोटे। लिट्टी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं गर्मा गर्म परोसूंगी। लिट्टी ये हो गया है, लिट्टी चोखा एंड चटनी सलाद देख सकते हो आप सब। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरे किचन में। तो आप सब कैसे हैं, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है लिट्टी चोखा। यूपी बिहार पूर्वांचल में खाई जाने वाली डिश है, तो इसको सब पसंद करते हैं, बच्चे भी हो और बूढ़े भी हो, सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बनाना। A few minutes later. आ गई हूँ किचन में, सबसे पहले मैं आपको सामान दिखाऊँ। देख सकते हो आप सब, आज मसाला रेडी करने के लिए मैं ले ली हूँ सामान ले ली हूँ। ये हो गया बेसन एक बाउल, नमक हो गया और प्याज ली हूँ एक प्याज हो गया, इसको छोटे छोटे टुकड़े में करूँगा। और ये हो गया देसी घी और ये हो गए थोड़े से गरम मसाले और ये हो गया आमचूर पाउडर। तो आज इसमें मैं मसाला रेडी करूँगी, ऑन कर ली हूँ और कढ़ाई भी हीट हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी बेसन, कुछ नहीं डालना है दोस्तों, पहले ऐसे भूनूंगी बेसन को। बेसन को मैं धीमी आंच पे भूनूंगी ऐसे, तो हल्का हल्का बेसन भून चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये गरम मसाला ले ली हूँ आधा चम्मच, इसको डाल दूंगी। इसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें आमचूर पाउडर, तो इतना आमचूर पाउडर ले ली हूँ एक बड़े चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, फिर मैं इसको भूनूंगी, नमक भी डाल देती हूँ, इसको चलाऊंगी अच्छे से भूनूंगी, भूरा होने तक भूनूंगी। इसके बाद भी बाद में घी डालूंगी इसमें। अब इसी के साथ मैं प्याज भी डाल दूंगी, पतले पतले कर ली हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। बेसन भून चुके हैं अच्छे से, अब इसमें मैं डालूंगी सबसे लास्ट में डालूंगी घी, देसी घी ले ले इसको चला दूंगी। और इसके बाद मैं डालूंगी लास्ट में धनिया, तो बस मसाला बन के रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैं बंद कर दूंगी गैस को, बंद करती जब तक मैं लिट्टी तैयार करें तब तक मैं चोखा बनाने की रेसिपी बता देती हूँ आप सबको। मैं ले ली हूँ एक बैंगन हो गया है, टमाटर ले ली हूँ, आलू ले ली हूँ। मैं दो सीटी लगा लेती हूँ पहले इसको सब डाल के कुकर में। तो पहले मैं देख लूँगी बैंगन में कीड़े उड़े तो नहीं है, ये सबसे ज़रूरी है देखना। मैं ऐसे ऐसे कट करके देख लूँगी, इसके बाद मैं डाल दूँगी सारे सामान इसमें डाल दूँगी। आलू बड़े हैं इसलिए मैं काट के डालूँ, जैसे जल्दी हो जाए आलू पक जाए, दो सीटी रेडी हो जाएगा बन के। इसी साथ में डाल दूंगी टमाटर भी साथ साथ में। मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ज़्यादा नहीं पानी डालना है, थोड़ा ही डालना है। कुकर कर देते हैं बंद। एक बाउल की लगभग आटा ले ली हूँ, अब इसमें मैं डालूंगी, कभी डालना है क्योंकि उसमें है मसाले में है नमक। अब इसमें मैं घी का घी गर्म कर लेंगी मोयम के लिए, तो मैं इसमें घी डालूंगी। ज़्यादा गीला नहीं गूंथना है, टाइट ही रहना गूंथना है आटे को, हल्का हल्का पानी डाल के गूंथूंगी। A few minutes later. मसाले और आटे रेडी है तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं इतने इतने आटे ले ली हूँ, अब इसी में भरूंगी मसाले को। मैं
एक एक स्पून डालना है। ऐसे ऐसे अकार में भर ली है, ऐसे ऐसे बना के रखना है सारे। मैं ऐसे बना लूंगी फिर तलूंगी। रोटी मैं बना ली हूँ, सारे बना के रेडी कर ली हूँ। इसको करूँगी फ्राई, रखा है। अभी 15 मिनट बाद इसको खोलूंगी और बनाऊंगी चोखे। A few moments later. मैं देखती हूँ पहले आलू बैगन हो चुका होगा। हो गया है आलू बैगन। सबसे पहले मैं छिलके निकाल दूंगी इसके। अब मैं बैटरी डालूंगी एक एक करके इसमें फ्राई करने के लिए। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ लिट्टी चोखा। इसको बट्टी भी बोलते हैं, बहुत लोग लिट्टी बोलते हैं। तो मैं तलूंगी लिट्टी को, धीमी आंच पे करना है, तलना है इसको। एक तरफ हो चुका है ब्राउन, दूसरी तरफ मैं फुल पलट देती हूँ इसको। और जब तक ये हो रहा पक रहा है, फ्राई हो रहा है लिट्टी, तब तक मैं कर लेती हूँ चोखा बना लेती हूँ। ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च और नमक और थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसको डालने के लिए चोखे बनाने। अब इसमें मैं डालूंगी तेल, इसको डालने से कच्चा तेल है। और ये डालूंगी धनिया। अभी मैं डालूंगी इसमें, ये डालती हूँ हरी मिर्च डालती हूँ। इसको डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब सारे सामान डाल के मैं मिक्स कर देती हूँ इसको पहले। चोखा बन के मेरा रेडी है। इस तरह कुछ कलर आया हुआ है। और मैं प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज से स्मेल आने लगती है। मैं आज मैं प्याज देती हूँ सलाद काट के। देख लेती हूँ बट्टी हुआ कि नहीं। ये लिट्टी मेरी फ्राई हो चुकी है। अब मैं गर्मा गर्म परोसूंगी और खिलाऊंगी सबको। हो चुका है, मैं निकाल देती हूँ इसको। ये हो गया है लिट्टी चोखा एंड चटनी सलाद, देख सकते हो आपका। तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और खिलाइए। साथ वीडियो को ऑफ करती हूँ, बंद करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आपको नए रेसिपी के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।